जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, शनिवार का दिन 10 सितंबर, धृति योग, सतभिषा नक्षत्र 9:37 तक शनि और राहु का प्रभाव, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति और शनि का प्रभाव। आज आपकी कुंडली में राहु शनि बृहस्पति का प्रभाव, चंद्रमा की छाया शुक्र और बुध की दृष्टि। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि आपकी कुंडली में इस समय राहु सप्तम भाव में और शनि सुख स्थान में बैठा है। बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। आज का दिन राहु शनि बृहस्पति के प्रभाव से सांसारिक इच्छा, आपके अंदर लालच, जुनून, आपका अहंकार बड़ा प्रभावशाली होगा। सांसारिक इच्छा आपकी प्रबल होगी, कुछ पाने की इच्छा, कुछ करने का विश्वास, अपने जीवन में धन, सफलता, कामयाबी प्राप्त करने का जुनून आपके अंदर होगा। आज आप थोड़ा अहंकारी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, आपके अंदर थोड़ा लालच होगा, क्योंकि आज राहु शनि और बृहस्पति का प्रभाव है। आप नीडर होंगे, भाग्यशाली होंगे। राहु और बृहस्पति का प्रभाव कुछ ऐसा योग बना रहा है जो आपको भाग्यशाली बनाएगा। अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आपके अंदर सामर्थ्य है, परिस्थिति बदलेगी, आप अपने जीवन में तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य, सुख, धन और लाभ का योग है। तुला राशि वालों, आज सतभिषा नक्षत्र है। सतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु शनि के साथ आपके लिए बेहतर योग बनाता है। राहु मजबूत विचार देता है, सामर्थ्य को बढ़ाता है, स्थिर बुद्धि अत्यंत आकर्षक बनाता है। राहु इस समय बृहस्पति और शनि के प्रभाव से प्रभावित है, क्योंकि राहु इस समय भरणी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में प्रभावित होकर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु के पंचम भाव में शुक्र बैठा है, राहु के सप्तम भाव में केतु का गोचर है और राहु के कर्म स्थान में शनि का गोचर है। राहु आपको वैसा फल देगा जैसा फल शनि लेकर आएगा। शनि आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है, आपके इरादों को काफी मजबूत और बुलंद बना रहा है, आपकी स्थिति पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य दे रहा है। सुखी जीवन, ऊर्जा का संचार आज तुला राशि वालों के लिए समय बड़ा बेहतर है। राहु आज आपकी कुंडली के केंद्र में बैठा है, शुभ फल देगा, क्योंकि केंद्र में ही शनि का गोचर है। राहु की माया भी गजब की है। जब शनि के प्रभाव से प्रभावित होता है तो आपके जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की लेकर आता है। अपने कर्तव्य से आप पीछे नहीं हटते, कोई आपको रोक नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में आप घबराते नहीं, कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता पाने में सक्षम होते हैं। राहु के ऊपर बुध, शनि और बृहस्पति का प्रभाव है। राहु जो आपकी कुंडली के केंद्र में गोचर कर रहा है, त्रिकोण में बैठा बुध जब राहु पर अपना प्रभाव डालेगा तो आप माला माल बनेंगे, धनवान बनेंगे, क्योंकि बुध बकरी अवस्था में त्रिकोण में बैठकर आपकी कुंडली में बड़े लाभ का योग बना रहा है। बृहस्पति त्रिकोण में बैठा है, लाभ, समृद्धि, धन और लोकप्रियता। राहु पर जब बृहस्पति शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो आपकी बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। आपके जीवन में कुछ जरूरी काम, कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होते हैं, बिगड़ने वाले काम भी संवर जाते हैं। आपके लिए धन कमाने का साधन प्राप्त होता है।
आपके लिए लाभ और सुख में वृद्धि होती है। ये समय आपके लिए बेहतर है, बेहतर योग बना रहा है जो आपके जीवन में बेहतर परिणाम लेकर आएगा। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है, अष्टम भाव में मंगल का गोचर, सुख स्थान में शनि बैठा है तो छठे भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है, लाभ स्थान में शुक्र सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और आपकी कुंडली के द्वादश में बुध का गोचर है। आज के दिन राहु जो भरणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, शनि के सुख स्थान में बैठा है और शुक्र शनि के भाग्य में बैठा है, जबकि बुध शनि के कर्म स्थान में बैठा है। त्रिकोण में बैठा बुध, केंद्र में बैठा शनि और राहु आज आपकी कुंडली के लाभ स्थान में शुक्र का गोचर। जब शुक्र राहु और शनि अपने प्रभाव को दिखाते हैं तो आप अपने जीवन में हर कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि शनि के मित्र ग्रह बुध शुक्र राहु और राहु के मित्र ग्रह बुध शुक्र शनि, शनि शुक्र और बुध राहु के साथ आपके जीवन में लाभकारी योग बना रहे हैं। ये समय आपके जीवन में तरक्की उन्नति का है, ये समय भाग्य की वृद्धि का है, ये समय कामयाबी सफलता पाने का है और ये समय भाग्य बदलने की शक्ति आपके अंदर है। बड़ा शानदार योग है जो आपकी किस्मत को बदलेगा, आपके जीवन में सफलता तरक्की का योग बनाएगा। आज बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के प्रभाव से प्रभावित है, वहीं मंगल रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित है। आज ये धन पुत्र ज्ञान और सुख की प्राप्ति होगी, सच्चा प्यार मिलेगा, बिगड़े काम बनेंगे। आज ये तुला राशि वालों के लिए सफलता कामयाबी का योग है। अगर आपकी आयु 24 वर्ष से 33 वर्ष के बीच है तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा उन्नति तरक्की होगी, सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे, आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग है। तुला राशि वालों, आज राहु शनि बृहस्पति का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, शुक्र और बुध की दृष्टि, सद्दिशा नक्षत्र का राहु और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति आप पर मेहरबान है। आज आपके लिए देवता रुद्र हैं, भगवान शिव की पूजा आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को समाप्त करेगा। आज पितृपक्ष श्राद्ध का प्रारंभ हो रहा है, अपने पितरों का तर्पण करें, आपके जीवन में हर बाधा हर कष्ट समाप्त होगी। आपके लिए समय बड़ा भाग्यशाली बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जिसके धन स्थान में बृहस्पति बैठा है, जिसके कर्म स्थान में शुक्र का प्रभाव है, जिसके सुख स्थान में मंगल का गोचर है, जिसके सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठकर आपके जीवन में बड़े लाभ के अवसर लेकर आया है। चंद्रमा के कारण ही आप भाग्यशाली बन रहे हैं, चंद्रमा के कारण ही आपके घर में खुशहाली आ रही है और चंद्रमा सूर्य के बदौलत ही सौभाग्य और धन कमाने का साहस आपके अंदर पैदा हो रहा है। मंगल के कारण आप धन कमाएंगे, शुक्र के कारण स्त्री के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, प्यार का उत्साह बढ़ेगा, जीवन की निराशा परेशानी बृहस्पति दूर करेगा, शुभ समाचार देगा। वहीं राहु शनि भाग्य का साथ थे, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, सोया हुआ नसीब भी जागेगा, सोई हुई किस्मत भी जागेगी, कामयाबी का योग है, सफलता का योग है। ये समय आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है। तुला राशि वालों, आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी मंगल है, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी बुध है। प्रथम चरण का बृहस्पति जो आपकी कुंडली के त्रिकोण में बैठा है, आपकी कुंडली के केंद्र में बैठे
शनि और राहु को प्रभावित कर रहा है, जिसकी बदौलत बृहस्पति शुभ फल देने वाला, आपके जीवन में धन तरक्की लेकर आने वाला, मुसीबत से बचाने वाला, आपको प्रभावशाली बनाने वाला और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला योग बना रहा है। वहीं द्वितीय चरण का मंगल जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, समृद्धि धन और शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में लाभ का योग, बुध के प्रभाव से कर्मठ कर्म योगी और शुक्र के प्रभाव से समृद्धि और सुख देगा। आप तृतीय चरण का शुक्र बड़ा बलवान है, आपके जीवन में खुशी देगा, इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएगा, सफलता पाने का जुनून देगा और आपकी परिस्थिति को बदलेगा। चतुर चरण का बुध जो वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के द्वादश में बैठा है, आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट बाधाओं को दूर करेगा, संपत्ति उन्नति का योग बनाएगा। तुला राशि वालों, राहु शनि बृहस्पति, राहु के ऊपर शनि बृहस्पति बुध अपने प्रभाव से आपके जीवन में प्रतिष्ठा वैभव उपलब्धि लेकर आया है। समय बड़ा शुभ है, ऐसे समय का लाभ उठाकर आप जीवन में बड़ी तरक्की कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख के साधन बढ़ा सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने जीवन में शुभ फल पा सकते हैं। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा। आज का पंचांग 10 सितंबर शनिवार का दिन, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, धृति योग, सतविशा नक्षत्र 9:37 तक शनि राहु का प्रभाव, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति शनि। आज ये आपकी कुंडली को राहु शनि बृहस्पति अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहा है। वहीं शुक्र बुध की दृष्टि है और चंद्रमा की छाया है, शनि बलवान है, राहु शुभ है और बृहस्पति आपके लिए समृद्धि और सुख लेकर आया है। आज आपके बिगड़े काम भी बनेंगे, आज आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। आज ये दिन आपके लिए धन समृद्धि सुख लेकर आया है, सच्चा प्यार मिलेगा, तरक्की होगी, सभी कार्य में सफलता का योग है। आज ये बृहस्पति केंद्र में और राहु त्रिकोण में अष्ट लक्ष्मी योग बनाएगा जो आपके लिए बेहद ही शुभ है। राहु बुध के प्रभाव से मालामाल योग है जो आपको धनवान बनाएगा, राजाओं जैसा सुख देगा, आपके जीवन की विपत्ति बाधा को दूर करेगा और आपको भाग्यशाली बनाएगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:31 से 5:17, ब्रह्म मुहूर्त में राहु के प्रभाव में सतविशा नक्षत्र में दिन की शुरुआत से अचानक सुख, लाभ, सौभाग्य, समृद्धि, तरक्की, खुशी और आपके जीवन में संतुष्टि देगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:43 का समय, शुक्र और बुध की दृष्टि आपके लिए बेहद ही शुभ होगा, ऐसे समय में जिंदगी में खुशी और लाभ की प्राप्ति होती है, सफलता का योग बनता है, प्रेम जीवन सुंदर होता है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, शुभ स्थिति आपके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। विजय मुहूर्त 2:23 से 3:13 का समय, शनि और बृहस्पति राहु के प्रभाव में आपके लिए बड़ी सफलता लाभ का अवसर लेकर आएगा। आज का राहु काल 9:11 से 10:44। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। सतविशा नक्षत्र में 9:37 तक आपके लिए लक्की कलर सिल्वर होगा और 9:37 के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपके लिए लक्की कलर नीला होगा। आज आपके लिए लक्की नंबर 6 होगा। तो राहु शनि बृहस्पति का प्रभाव है, पूर्णिमा तिथि है, पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ हो गया है, चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, लाभ समृद्धि धन और लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी तकदीर बदलेगी, आप धन कमाएंगे,
जीवन में सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, तरक्की उन्नति का योग है, सौभाग्य धन का योग है। तो तुला राशि वालों, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए। राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।